अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? ये जी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी फार्म की, उस टाइम पे तो थोड़ा सा काम था, अभी काफ़ी माशाल्लाह काम हो गया। तकरीबन कोई 10 से 12 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जितना काम हुआ है आपको दिखाता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखनी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना आपने। वो जी मेन गेट है, वो एंट्रेंस है, वहाँ से आप सीधा सीधा आ जाओ। तो ये फार्म है, सारा दिखाता हूँ आपको। पहले आपने देखा होगा ये तकरीबन कोई 4 से 5 फुट ये नीचे था, मट्टी शट्टी डली है इधर, तो उसको ऊंचा कर दिया। ये आपको सारा दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये बकरों का शेड है वो सामने, 1 2 3 4 5 पिलर उसमें लगे हैं। वहाँ पे वो खुले ही रहेंगे, उसमें हम ना शीटें लगा देंगे मोटी वाली, ताकि ना सर्दी ना हो। ये चेक करें जी, यहाँ पे बकरे अंदर, ये इनका मेन दरवाज़ा है, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से एंट्रेंस है। ये अब देखें पीछे से, अभी 2 फुट दीवार और होगी, जैसे ये सारी मिट्टी लग गई है ना, सारी मिट्टी इधर डल गई है। वो जो कमरा है, पहले वो दिखाता हूँ आपको, वो सर्वेंट रूम है, जो भी रहेगा उसके लिए वो कमरा है। ये जो DPC डली है, यहाँ से ये सारी मिट्टी वगैरह कल ही इस पर भी दीवारें हो जाएंगी। ये साथ थोड़ा सा लॉन्च है, वहाँ पे उसका दरवाज़ा होगा, ये रूम है उसका जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ से पानी वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ से आप चेक करें, आपको यहाँ से सही नज़र आएगी। थोड़ी सी अगर वीडियो हिल रही हो तो माजरत है, मट्टी है ना सारी नीचे। ये पहले तकरीबन कोई 4 फुट नीचे था, आप देख सकते हो ये दीवार हुई है ना, आपको पता लग जाएगा कितनी ऊंची मट्टी डली है। ये चेक करें, ये 5 से 6 फुट दीवार है ये वाली, और इस DPC से ऊपर भी 4 फुट दीवार होगी ताकि बकरे बाहर ना आए। ये वाला सारा काम है, ये मट्टी खोल के ना डाल देंगे अंदर वाली साइड पे, और वहाँ पे बननी है खुरली, सीमेंट की खुरली बनेगी, अगर दूसरी होंगी ना वो तोड़ देंगे। वो एक ही बनेगी लंबी सी, जहाँ भाई बैठे हुए हैं ना, वहाँ से बिल्कुल सीधा इस दीवार तक 2 फुट की हो जाएगी या 1.5 फुट की हो जाएगी। बकरे यहाँ से आराम से खा के यहाँ पे बैठे रहेंगे, यहाँ पे धूप भी अच्छी आएगी, सर्दियाँ आ रही हैं ना आगे, उसके लिए। ये चेक कर लें जी, ये इनका शेड है, ये अब देखें, ये यहाँ तक इसके बराबर तक ये मिट्टी सारी डाल जाएगी, 2 फुट अंदर पड़नी है DPC तक, ऊपर 2 फुट दीवार होनी है। ये चेक कर लें, अगर फ्यूचर में इसकी पार्टीशन भी करनी हुई ना, तो यहाँ से वांसों के साथ भी कर सकते हैं, लेंथों की जिससे मर्जी का आप करें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आप छोटे गेट भी लगवा सकते हो, लेकिन हमने फ़िलहाल एक ही लगाना है, यहाँ पे लग जाएगा, और ये जगह सारी ओपन रहेगी। यहाँ पे तरपालें आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 मोटी वाली, उसे सर्दी नहीं आएगी। मेरे घर पर भी वही लगी हुई हैं, मैंने अपने घर की वीडियो बनाई नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, वो भी अपलोड करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो मैं शीटों के बारे में कह रहा हूँ ना वो यहाँ पे लग जाएंगी। ये चेक करें, जब सुबह के टाइम उन्होंने खाना खाना होगा तो ये सामने खुरली बन जाएगी, उधर खाएंगे, बाकी घूमने के लिए बहुत जगह है। आप यहाँ 50 बकरे आराम से रख सकते हो, अगर बाहर निकालेंगे तो बाहर भी आप निकाल सकते हो बकरे, लेकिन ये जगह आप यहाँ से आप देखें ना, ये बहुत ज़्यादा जगह है, अगर इसको फ्यूचर में बड़ा भी करना हुआ तो यहाँ से बड़ा भी हो सकता है, सीधा ही जैसे ये बना हुआ है वैसे एज इट इज़ आप उस दीवार तक भी लेके जा सकते हो। वो बहुत ज़्यादा बकरे, ये 100 बकरा यहाँ पे रख सकते हैं वैसे फ़िलहाल, 50 भी रखो 100 रखो, कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये मट्टी डल गई है, अब इसके ऊपर इसको बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद इसके ऊपर घसू वो भी डलना है, ताकि जानवर जो मेंगने वगैरह पेशाब वगैरह भी करेगा ना तो चिकड़ नहीं होगा, वो ड्राई कर लेगा हर चीज़। ये देखें सारा सारा हिसाब, देखें जगह बहुत अच्छी है, बकरे यहाँ पे खुश रहेंगे। ये इधर से जाके ना आपको रूम भी दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे द्वार होनी है और यहाँ पे अभी गेट लगना है एक, यानी कि इसकी एंट्रेंस अलग है, जगह सारी एक ही है लेकिन शेड का जो हिस्सा है ना वो अलग है, बिल्कुल कॉर्नर पर ये सारी मिट्टी डली है। आपने जो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो इसमें मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वो चेक करके देख सकते हो। ये सारा काम है,
वो मेन शेड है, वहाँ से 2 फुट अभी दीवार करेंगे, फिर वो यहाँ से आके थोड़ी सी उसकी ना 2 से 2.5 फुट वो बाहर होगा शेड उसका ना, ताकि पानी जो गिरेगा ना वो अंदर नहीं जाएगा। ये चेक करें, सारी बाउंड्री वॉल भी बन गई। ये रूम की इन्होंने, वो वाला आगे वाला कमरा है और ये उनका थोड़ा सा लॉन हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी रखो। शूज़ भी ख़राब हो गए। ये जी सारा मामला था, ये आप चेक करें। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होता है तो उस पर भी वीडियो बनेगी। जब माल सारा आ जाएगा उस टाइम फिर सबको बुलाएंगे, आप लोग आके देखना। ईद 2023 के बकरे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, सारे मक्खी जी ने रखने हैं। अगर कोई अबलग वगैरह भी हुए तो वो भी आपके सामने ही होंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे खुरली बन जाएगी, यहाँ पे उनका सारा सिस्टम बन जाएगा, सारा कंप्लीट। काफ़ी काम हो गया, आप कह लो कि 70-80% काम हो गया, 20% रह गया। इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको दिखाता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आगे मज़ीद वीडियो आती रहेंगी, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।